वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी। बीए प्रोग्राम का हिंदी का पेपर है बेटा, ये सेमेस्टर 5 का डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स है। डीएससी मेजर पेपर एज पर द यूजीसीएफ 2022 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पार्ट दो हम लोग कर रहे थे, आधा हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। लंबा पार्ट था तो मैंने आधा कराया था, उसके आगे का आधा मैं अब कराने वाली हूँ। तो चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए बेटा, और उसके बाद हम शुरू करते हैं पार्ट दो का बचा हुआ भाग जिसमें हमें अधिनियम पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है राजभाषा अधिनियम 1963, यानी कि राजभाषा अधिनियम 1963। तो राजभाषा अधिनियम 1963 यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963, ये भारत सरकार ने पारित किया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। इसका मकसद क्या था, इसका पर्पस क्या था? भारत की राजभाषाओं हिंदी और अंग्रेजी के सरकारी इस्तेमाल को रेगुलराइज करना, विनियमित करना। तो इस अधिनियम का उद्देश्य था हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एक बैलेंस बनाना, दोनों के उपयोग को संतुलित करना और भारत के विभिन्न हिस्सों में सरकारी काम की सुविधा को सुनिश्चित करना, ताकि सभी देशों, पूरे देश में सभी राज्यों में काम आसानी से, खास तौर से उन क्षेत्रों में जहाँ की प्रमुख भाषा हिंदी नहीं है, जहाँ के लोग हिंदी जानते हैं, उन राज्यों के लिए खास तौर से बेटा। तो राजभाषा अधिनियम 1963 का क्या उद्देश्य था कि संविधान के अनुच्छेद 343 यानी कि आर्टिकल 3, अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, हिंदी देवनागरी भाषा में। हालांकि संविधान में यह भी बताया गया था कि अंग्रेजी का इस्तेमाल राजकीय उद्देश्यों के लिए, सरकारी कामों के लिए अगले 15 साल तक सहायक भाषा के रूप में किया जाता रहा, तब हिंदी हमारी राजभाषा होगी जो कि देवनागरी भाषा में लिखी जाएगी और साथ में अंग्रेजी सहायक भाषा होगी, अगले 15 साल तक इस्तेमाल की जाएगी। यानी 1965 तक संविधान लागू हुआ 1950 में, तो 1950 से लेकर के 1965 तक यानी कि पूरे 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल होना था और उसके बाद इसका इस्तेमाल बंद हो जाना था, पूरी तरह से सिर्फ हिंदी का इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन इस व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत के कुछ राज्य, खास तौर से तमिलनाडु, वहाँ पर बहुत विरोध हुआ, हिंदी को मैंडेटरी लागू करने के खिलाफ बहुत सारी जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए गए, क्योंकि दक्षिण भारत के बहुत से राज्य हैं बेटा जहाँ पर हिंदी प्रमुख भाषा नहीं है, जहाँ बहुत से लोग हैं कि जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है या फिर वो हिंदी में इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो वहाँ पर क्या हुआ, विरोध शुरू हो गया कि भाई इस तरीके से आप कैसे हिंदी को पूरे देश की एक तरीके से राष्ट्रभाषा बना सकते हो, इस बात का विरोध शुरू हो गया। तो ऐसी स्थिति में भाषाई संतुलन बनाए रखने के लिए, डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, गैर भाषी जो क्षेत्र थे हमारे देश के, हिंदी जहाँ नहीं बोली जाती थी, उन जगहों का ख्याल करते हुए राजभाषा अधिनियम 1963 को लागू किया गया था। इसमें प्रावधान क्या क्या थे, सबसे पहला तो हिंदी और अंग्रेजी का समान उपयोग। तो ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर हिंदी समझ में नहीं आती थी लोगों को, वहाँ को इंग्लिश का ऑप्शन दे दिया गया। तो इस अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया कि 1965 के बाद भी, यानी कि 15 साल बीत चुके उसके बाद भी, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल केंद्र सरकार के साथ संवाद और संचार के लिए जारी रहेगा। यानी कि वे राज्य जहाँ पर हिंदी मुख्य भाषा नहीं है, केंद्र सरकार के साथ अंग्रेजी में भी अपने संवाद और संचार कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये था कि जो राज्य या फिर जो लोग हिंदी को सरकारी कामकाज में नहीं अपना पा रहे थे, वो अंग्रेजी का इस्तेमाल भी कर सकते। दूसरा प्रावधान किया गया अनुवाद की व्यवस्था। तो इस अधिनियम में एक प्रावधान ये भी किया गया, एक प्रोविजन ये भी किया गया कि जितने भी सरकारी दस्तावेज होंगे, अधिसूचनाएं होंगी, कानून होंगे, नियम होंगे, उन सबका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ट्रांसलेटेड कॉपी सबको प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि दोनों भाषाओं को इस्तेमाल करने वाले लोग इसे आसानी से समझ पाए। अब राज्य सरकारों के लिए स्वतंत्रता दी गई। इस अधिनियम ने राज्य सरकारों को अपनी राज्य भाषा चुनने की आजादी दी गई, जो अपने राज्य में अपनी राज्य भाषा कोई भी चुन सकते हैं और साथ में अंग्रेजी या हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए। तो
इस तरीके से हर राज्य को ये फैसला लेने की पूरी आजादी मिली कि उनके सरकारी कामों में वे हिंदी या इंग्लिश या फिर अपने क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे। अगला इसमें रहा भाषाई बहुलता का संरक्षण। हमारे यहाँ भारत में आपको पता है बेटे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो किसी एक भाषा को फोकस करने के चक्कर में बाकी भाषाएं इग्नोर ना हो जाएं, इस बात का भी ख्याल रखा गया। तो राजकीय कार्यों में किसी एक भाषा को पूरी तरह से अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा, ये बात इस अधिनियम में कह दी गई थी। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या था कि गैर हिंदी भाषी जो राज्य है उनकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखा जा सके, उनकी भाषाई पहचान खत्म ना हो जाए। अगला था केंद्र और राज्य के बीच संवाद। केंद्र और राज्य के बीच संवाद कैसे स्थापित हो, यह इस अधिनियम में अच्छी तरह से सुनिश्चित किया गया था। तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो भी पत्राचार होगा, जो भी करेस्पोंडेंस होगा, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जाएगा। गैर हिंदी भाषी राज्य जो है वो केंद्र सरकार के साथ अंग्रेजी में ही संवाद करेंगे, जबकि जो राज्य है जहाँ पर हिंदी भाषा है उनको हिंदी भाषा में एक तरीके से अंग्रेजी में ही होगा। जब तक कि राज्य हिंदी भाषा में संवाद करने की सहमति नहीं देता है तब तक उनके साथ संवाद अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। इस अधिनियम के असर क्या क्या पड़े, प्रभाव क्या क्या रहे। दक्षिण भारत में सांस्कृतिक संतुलन आया। राजभाषा अधिनियम 1963 ने दक्षिण भारत और अन्य गैर हिंदी भाषी राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखा और सुनिश्चित किया कि हिंदी को अनिवार्य रूप से थोपने की नीति से बचा जाए। हिंदी हम किसी पर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखा गया। इससे देश के विभिन्न भाषाओं में देशों में हिस्सों में जो भाषाई आंदोलन चल रहे थे वो सब शांत हो। साथ में अंग्रेजी का सहायक भाषा के रूप में प्रयोग इन्होंने जारी रखा, इससे पहले भी चल रहा था। तो अंग्रेजी भाषा का सहायक भाषा के रूप में इस्तेमाल 15 साल पूरे होने के बावजूद भी चलता रहा। जहाँ हिंदी समझी या बोली नहीं जाती थी वहां के लोग अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते थे, और साथ में इसके माध्यम से सरकारी कामकाज में कोई बाधा नहीं आती है। और ये व्यवस्था अभी भी जारी है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बहुभाषी देश के लिए आवश्यक संतुलन। हमारा देश बहुभाषी है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसे में यहाँ पर भाषाई संतुलन बनाना बहुत जरूरी था। तो इस लिहाज से जो हमारा अधिनियम था, अधिनियम 1963 राजभाषा अधिनियम 1963, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। हिंदी को इसने राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा दिया, लेकिन साथ साथ बाकी जो अन्य भाषाएं थी उनकी आज़ादी को भी मेंटेन किया गया, उनको भी सुरक्षित किया गया। तो निष्कर्ष है कि राजभाषा अधिनियम 1963 ने भारत की भाषाई नीति में एक संतुलन लाने का काम किया, जहां हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा मिला, अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में बनाए रखा गया। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया कि सरकारी काम में भाषाई विविधता का सम्मान हो और सभी क्षेत्रों में सभी फील्ड में प्रशासनिक कार्य जो हो सुचारू रूप से चल पाए, कहीं भी भाषा की विविधता की वजह से कोई बाधा ना आए। इसके बाद आया बेटा संकल्प 1968, इसे कहा गया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। ये भारत सरकार ने एक बहुत ही सरकार ने पारित की थी महत्वपूर्ण शिक्षा नीति थी 1968 की, जिसका मकसद क्या था, देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना इसका पर्पस था। 1968 का ये संकल्प शिक्षा के हर क्षेत्र पर क्वालिटी सुधारने के लिए, गुणवत्ता सुधारने के लिए, शैक्षिक संसाधनों को ज्यादा समतावादी बनाने के लिए यानी कि सब तक पहुंचे रिसोर्सेज और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम माना गया था। हालांकि आप संकल्प 1968 के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर सिलेबस में, लेकिन यहाँ पर ये राजभाषा नीति से जुड़ा हुआ है, तो राजभाषा नीति जो है इसके हिसाब से यहाँ पर एक संकल्प पारित हुआ था, इसमें राजभाषा संकल्प 1968 कहा जाता है इसको, जिसका मकसद था हिंदी भाषा को प्रशासनिक कार्यों में ज्यादा प्रचलित करना और ज्यादा बढ़ावा देना। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या थे, हिंदी भाषा का प्रसार और प्रोत्साहन करना। 1968 का जो राजभाषा संकल्प आया था इसमें केंद्र सरकार ने हिंदी भाषा के सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने के लिए, हिंदी का इस्तेमाल करने के लिए फैसला किया था। तो हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए गए ताकि सरकारी कामों में से प्रचलित किया जा सके। साथ में दो भाषाओं का संतुलन बनाने का संकल्प था, ये राजभाषा अधिनियम का विस्तार था इसमें। इसमें यह सुनिश्चित किया गया कि हिंदी को बढ़ावा देने के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी सहायक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसा इसलिए किया गया कि देश के जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र थे वहाँ का प्रशासनिक कार्य भी अच्छी तरह से चल पाए, क्योंकि वहाँ के लोग हिंदी नहीं जानते थे
अंग्रेजी जानते, तीसरा इसमें संकल्प था हिंदी में प्रशिक्षण का। तो केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को हिंदी भाषा में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की, उनको ट्रेंड करने की व्यवस्था की। उनका उद्देश्य ये था कि सरकारी कर्मचारी हिंदी में दक्ष हों, मतलब एक्सपर्ट हों सारे के सारे, सबको अच्छी तरह से हिंदी आती हो, उनको हिंदी में काम करने में कोई बाधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, और साथ में सरकारी कर्मचारी जो है वो हिंदी में दक्ष हों और हिंदी में अपना कार्य जो है बेहतर ढंग से संपन्न कर पाए, अच्छी तरह से कर पाए। इसके अलावा बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत हो गई, क्योंकि इस संकल्प के बाद सरकार ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की थी, जैसे कि हिंदी टाइपिंग, हिंदी में तकनीकी शब्दावली का विकास, टेक्निकल वर्ड्स डिक्शनरी है ना, और सरकारी दस्तावेज का हिंदी में अनुवाद, ये सारी योजनाएं शुरू हो गई थी। इसके बाद साथ ही राज्य सरकारों का आपस में कोऑर्डिनेशन बना, समन्वय बना। इस संकल्प की वजह से हिंदी को राज्यों में भी बढ़ावा देने की योजना बनाई गई, खासतौर से उन राज्यों में जहाँ पर हिंदी मुख्य भाषा नहीं हुआ करती थी। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन की जरूरत को महसूस किया गया और कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश भी की गई। आगे हम जानेंगे राजभाषा संकल्प 1968 का महत्व क्या रहा। इसकी वजह से हिंदी का व्यापक प्रसार हुआ। राजभाषा संकल्प 1968 की वजह से हिंदी का व्यापक प्रसार हुआ पूरे भारत में। तो इस संकल्प के माध्यम से हिंदी भाषा को भारतीय प्रशासन में एक व्यापक स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय प्रशासन में इसको एक इम्पोर्टेंट रोल मिला। सरकारी कामकाज में हिंदी का इस्तेमाल बढ़ गया और हिंदी को एक मजबूत भाषा के रूप में स्थापित होने में बहुत मदद मिली। दूसरा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला राष्ट्रीय संकल्प की वजह से, संकल्प 1968 की वजह से। तो इसकी वजह से राजभाषा के रूप में हिंदी को जो प्रोत्साहित किया गया, तो इसका उद्देश्य क्या था, भारत में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना। एक भाषा होगी सबकी तो लोगों के बीच में एक यूनिटी फील कर पाएंगे लोग, ऐसा सोचा गया था। और इसके जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि सभी भारतीयों के पास एक सामान्य भाषा हो जिसमें वो आपस में संवाद कर पाए। साथ में इसका प्रपल था भाषाई संतुलन को बनाए रखना। तो संकल्प 1968 ने भाषाई संतुलन को बनाए रखने का काम भी किया। हिंदी को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये भी कोशिश की गई, ये भी ध्यान रखा गया कि अंग्रेजी का सहायक भाषा के रूप में इस्तेमाल होता रहे और जो हिंदी भाषी, गैर हिंदी भाषी प्रदेश हैं भारत के, वहाँ पर प्रशासनिक कार्यों में कोई बाधा ना आए, इसलिए ऐसा किया गया था बेटा। तो निष्कर्ष यही है कि राजभाषा संकल्प 1968 हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से रोल प्ले कर रहा था। इसके माध्यम से हिंदी को प्रशासनिक और शैक्षिक कार्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ था। साथ ही इसने ये भी सुनिश्चित किया था कि हिंदी को बढ़ावा देने के साथ साथ देश के जो बाकी क्षेत्र हैं जहाँ की भाषाई विविधता है, जहाँ जहाँ उसका भी सम्मान किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य था पूरे देश में भाषाई एकता लेकर के आना और प्रशासनिक सरलता को बढ़ावा देना, सुगमता को बढ़ावा देना। इसके बाद आया राजभाषा अधिनियम 1976। राजभाषा नियम 1976 जो था, ये भारत सरकार ने पारित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था जिसका उद्देश्य क्या था। राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत हिंदी और अंग्रेजी के इस्तेमाल को स्पष्ट और संगठित करना इसका उद्देश्य था। तो ये नियम हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में एक्टिव बनाने के लिए व्यापक निर्देश और प्रक्रियाएं प्रदान करता है, बताता है कैसे कर सकते हैं। तो इसके मुख्य बिंदु क्या रहे राजभाषा नियम 1976 के, हम ये पढ़ेंगे। हिंदी का प्रयोग, तो राजभाषा नियम 1976 के तहत ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया कि केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय हैं सभी के सभी हिंदी का इस्तेमाल करेंगे। ये नियम हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना गया था, जिससे सरकारी कामों में हिंदी का इस्तेमाल बढ़ता चला गया। दूसरा, अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने की सिफारिश यहाँ भी की गई। इस नियम में ये प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति हिंदी नहीं समझता है तो उसके साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य था कि सभी नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में सरलता रहे, किसी को कोई परेशानी ना हो। अगला है सरकारी दस्तावेजों का अनुवाद। तो राजभाषा नियम 1976 की वजह से जितने भी महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज थे उनका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनुवाद किया जाना अनिवार्य किया गया कि आगे से जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ट्रांसलेशन होगा। और साथ में ये भी फैसला किया गया कि हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी लोग दोनों ही सरकारी सूचना को आसानी से समझ, जब हिंदी और इंग्लिश में होगी तो सभी लोग समझ पाएंगे।
साथ में हिंदी भाषा में दक्षता। इस नियम के अंतर्गत केंद्र सरकार के जो कर्मचारी थे उनको हिंदी भाषा में दक्ष बनाने के लिए व्यवस्था की गई थी, उनको हिंदी लिखने बोलने का प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। अगला था प्रशासनिक स्तर पर सुधार। तो राजभाषा नियम 1976 का उद्देश्य ये भी था कि प्रशासनिक स्तर पर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना। इसके तहत ये फैसला किया गया, ये सुनिश्चित किया गया कि विभिन्न विभागों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाए जिससे सरकारी कामकाज में कोई रुकावट ना आए। इसके अलावा राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इस नियम के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन भी किया गया जिसका काम था हिंदी के विकास और इस्तेमाल को बढ़ावा देना। आयोग ने बहुत सारे सुझाव दिए और ये सुनिश्चित किया कि सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी का इस्तेमाल भरपूर। तो राजभाषा नियम 1976 का क्या महत्व था यहाँ पर हम जानेंगे। हिंदी का संवर्धन, 1976 का जो अधिनियम आया इसकी वजह से हिंदी का विकास हुआ। यह नियम हिंदी भाषा को सरकारी कामों में एक बहुत ही प्रमुख स्थान प्रदान करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इससे हिंदी हमारा। इसका उद्देश्य था हिंदी को प्रचलित करना, प्रचार करना हिंदी का, और आधिकारिक कार्यों में सशक्त बनाना, जो भी ऑफिशियल काम हो रहे हैं उनमें हिंदी को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य था। दूसरा भाषाई एकता। राजभाषा नियम 1976 ने देश के बहुत से भागों में भाषाई एकता को बढ़ावा दिया। इससे ये सुनिश्चित हुआ था कि सभी नागरिकों को सरकारी सेवाओं और सूचनाओं तक समान पहुंच हो, सबको बराबर जानकारी पहुंचे, चाहे वो हिंदी जानते हो या ना जानते हो। आगे है संविधान के प्रावधानों का कार्यान्वयन। तो ये नियम भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक उनमें जो प्रावधान किए गए थे उनको लागू करवाने के लिए इसमें समझा गया कि बहुत सहायक था, जिसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। आगे इसका इंपॉर्टेंस रहा शिक्षा और प्रशिक्षण में। इसके तहत हिंदी भाषा में शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया गया जिससे हिंदी जो सरकारी कर्मचारी थे उनमें हिंदी के लिए जागरूकता बढ़ी, वो अपनी कार्यक्षमता में सुधार कर पा रहे थे। तो निष्कर्ष इसका यही है कि राजभाषा नियम 1976 हिंदी के विकास और उसके प्रशासनिक इस्तेमाल को संगठित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम था। इसके द्वारा हिंदी को सरकारी कामों में एक मजबूत स्थान दिया गया और इसे नागरिकों तक पहुंचाने के लिए उपाय किए गए, मतलब हर व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए उपाय किए गए। इस नियम ने न केवल हिंदी को एक राजभाषा के रूप में मजबूत किया बल्कि देश में भाषाई एकता और सांस्कृतिक समृद्धि को भी बढ़ावा दिया। ठीक है बेटा, आगे है राजभाषा आयोग। तो राजभाषा आयोग सरकार स्थापित करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, हिंदी भाषा का विकास, प्रचार करना और प्रशासन में उसके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना कि प्रभावी इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 और 345 के तहत गठित किया गया है। इसका मेन काम क्या है, राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना इसका मकसद था। ठीक है बेटे, अब राजभाषा आयोग का गठन कैसे हुआ। राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी 1955 में जिसमें विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल किए गए थे, यानी कि अलग अलग कल्चर से जुड़े हुए लोग, अलग अलग लैंग्वेज से जुड़े हुए लोगों को राजभाषा आयोग में शामिल किया गया था। इनका उद्देश्य क्या था, राजभाषा नीति का कार्यान्वयन, यानी कि राजभाषा आयोग जो था उसका मेन काम था भारत की राजभाषा नीति को लागू करना जिसमें हिंदी का इस्तेमाल सरकारी कामों के लिए सुनिश्चित किया जाना शामिल था। दूसरा, हिंदी के विकास के लिए सुझाव देना। तो आयोग जो था, ये राजभाषा आयोग, ये हिंदी भाषा के विकास के लिए, इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सुझाव देता है और सिफारिशें प्रदान करता है। तीसरा, प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो आयोग बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों के लिए भाषा में, हिंदी भाषा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि वो हिंदी में संवाद देखने में सक्षम हो सके। अब राजभाषा आयोग क्या क्या काम करता है, समीक्षा और मूल्यांकन करता है। राजभाषा आयोग सरकारी विभागों में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा करता है और उसके कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करता है। अगर कहीं पर हिंदी का इस्तेमाल कम हो रहा है तो आयोग उसे सुधारने के उपाय सुझाता है। अगला है, आयोग सिफारिशें करता है हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए, शब्दावली के विकास के लिए, भाषा की बाकी जो जरूरतें हैं उनको पूरी करता है। ये आयोग हिंदी को अन्य भाषाओं के साथ समन्वित करने पर भी ध्यान देता है कि हिंदी हमारी जो है बाकी भाषाओं के साथ कोऑर्डिनेट भी कर पाए। आगे है जन जागरूकता। तो आयोग हिंदी भाषा के महत्व को जन सामान्य के बीच प्रचारित करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करता है, जैसे सेमिनार, कार्यशालाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम। साथ में प्रवर्तन, तो आयोग ये भी फैसला करता है, ये भी सुनिश्चित करता है कि
सरकारी कार्यालयों में हिंदी का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाए। अगर कोई विभाग या कार्यालय हिंदी के इस्तेमाल में लापरवाही बरतता है तो आयोग उसे सुधारने के लिए सुझाव देता है। आगे शोध और विकास, तो आयोग हिंदी भाषा और साहित्य के शोध और विकास के लिए बहुत सी परियोजनाएं लेकर के आता रहता है। ये भाषा के शब्दकोश, व्याकरण और साहित्य के विकास को भी बढ़ावा देता है कि शब्दकोश गढ़िए, नए शब्द उसमें ऐड कीजिए, व्याकरण समझिए, साहित्य का विकास कीजिए। तो राजभाषा आयोग का महत्व क्या है? पहला तो है भाषाई एकता। तो राजभाषा आयोग भारतीय समाज में भाषाई एकता और सांस्कृतिक समरसता को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी वजह से भारत में राष्ट्रीय भाषाई एकता आती है, सांस्कृतिक समरसता आती है। इसके अलावा सरकारी कामों में हिंदी का इस्तेमाल अच्छी तरह से हो, ये बात भी यही सुनिश्चित करता है, जिससे कि ज्यादातर लोग सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सके, क्योंकि ज्यादातर लोगों को हिंदी समझ में आती है। तीसरा इसमें विशेषता थी सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो भी कुछ मिला है यहाँ पर, उसको संरक्षित किया जाए, हिंदी भाषा और साहित्य का संरक्षण किया जाए, विकास में मदद की जाए, जिससे भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके। तो इसका निष्कर्ष बनता है राजभाषा आयोग हिंदी भाषा के विकास और उसके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो हिंदी भाषा का विकास होना चाहिए और प्रभावी इस्तेमाल होना चाहिए, ये सुनिश्चित करता है राजभाषा आयोग। तो ये आयोग ना केवल सरकारी कामों में हिंदी भाषा का प्रचार करता है, बल्कि इसे जन सामान्य के बीच ले जाने के लिए भी बहुत सारी गतिविधियों का संचालन करता है। इसके माध्यम से भारत की भाषाई सांस्कृतिक विविधता का सम्मान होता है और संरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। मतलब भाषाओं का सम्मान होता है, संरक्षण होता है। आगे है राजभाषा आयोग और संसदीय समिति। तो इससे आगे का बेटा काफी पार्ट रह गया है अभी, तो उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। अभी आप यहीं तक समझिए। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए बेटा। आपकी परीक्षाएं भी बहुत नजदीक ही हैं, इसलिए मैं आपका सारा का सारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।